वहीं झज्जर जिले की बादली विधानसभा सीट पर सियासी दलों के प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार का दौर जारी है। बादली सीट से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी अजीत गोलिया ने भी अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। इसी क्रम में अजीत गोलिया ने नंगला गांव में ग्रामीणों से जनसंपर्क किया। चुनाव आयोग से सभी प्रत्याशियों को सिंबल आवंटित किया जा चुका है। अजीत गोलिया को कांच का गिलास चुनाव चिन्ह मिला है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में गिलास का प्रभाव खूब रहा है। बादली सीट से निर्दलीय प्रत्याशी अजीत गुलिया का दावा है कि लोगों की आवाज आ रही है कि अब की बार अजीत गुलिया को जिताना है। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि सियासी दलों के नेता लोगों के बीच झूठ बोलकर उन्हें बरगलाने का काम कर रहे हैं। इधर बीजेपी के मौजूदा विधायक पर अजीत गुलिया ने गंभीर आरोप लगाया, कहा कि मौजूदा विधायक ने जमकर लूट मचाई है। अजीत गुलिया लगातार प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिया गया है और अब उस चुनाव चिन्ह के साथ में जनता के बीच तमाम प्रत्याशी पहुंच रहे हैं। इतना प्यार है, कोई काम कुम की थी अंकल सुन ली होगी, बताते हैं नन्हे पहले बनावांगे और पाछे काम करावांगे। चिमल मिल गया कप गिलास, कांच का गिलास तो चल गया, नहीं सारी हन गिलास चल गया। बादली हल्के में जिसमें जूस भर भर पाओगे गिलास का प्रभाव और कौन सा प्रभाव। और तो एक बात बताओ भाई, मैं सोबे बता ली, अरे खाम खाते झूठ मत बोलो। मन अनपढ़ भी चुनाव लड़ सका, 10वीं 5वीं लड़ सका, प्लस टू वो मैं झूठ बोलो की सेवा करेगा लोगों की। खाम खाते झूठ मत बोलो, झूठ बोल रहे हैं। आपने नहीं पता हाईकोर्ट ने मुकदमा दर्ज कराया? अरे भाई फ्री में तो झूठ मत बोलो, कोई किसी तो बोलते हो भाई। आप अनपढ़ अनपढ़ बता दो, कोई राजनीति है तो नहीं कहती कि आप पढ़े लिखे होने चाहिए। आप अनपढ़ अनपढ़ बता दो, 10वीं पास हो 10वीं बता दो, 12वीं 12वीं बता दो। ये मैं बताने लग रहा ग्रेजुएट हूँ, बताओ आप चेक करा दो MDU से। सरकार बने द बेस्ट हुड्डा साहब के लिए नो कमेंट, लेकिन बीजेपी वाले भी तो दावा कर रहे हैं सर उनके लिए भी नो कमेंट्स। अच्छा। जो थोड़े लिए कमेंट्स सारे से है दोनों, ये तारे लूट का खागिन ताई हूँ मैं। इनका जो विकास कार्य अधूरा रहेगा, उनका विकास है, उन्होंने का विकास है। आपने बताओ, उन्होंने बताया कि मेरे पास 3 करोड़ की संपत्ति है, 3 करोड़ की संपत्ति वाला कोई 50 करोड़ का मकान बना लेगा अंकल? नहीं बनाएगा। बस तो आप ला ले, कितना विकास कर।